सिख एम्पायर महाराजा रंजीत सिंह के अंडर अपनी पीक पे पहुंच चुका था, लेकिन 1839 में रंजीत सिंह की डेथ के बाद सिख एम्पायर डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है और वहीं ब्रिटिशर्स काफी स्ट्रांग हो चुके थे फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर और सिंध के एनेक्सेशन के बाद। और इसी में एंट्री होती है हैडिंग फर्स्ट की इंडिया में एज गवर्नर जनरल। और उन्होंने सोचा कि पंजाब को एनेक्स करने का सबसे बढ़िया टाइम यही है क्योंकि सिख एम्पायर डिक्लाइन पे था, इसलिए हैडिंग ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रूप्स को सतलज बॉर्डर के पास प्लेस कर दिया, जिसके रिस्पांस में दिसंबर 1845 में सिख आर्मी सतलज बॉर्डर को क्रॉस कर देती है, जिसके बाद हैडिंग को बहाना मिल जाता है कि सिख आर्मी ने ट्रीटी ऑफ अमृतसर को वॉयलेट किया है, दैट्स व्हाई ब्रिटिशर्स विल अटैक पंजाब, जिसके बाद होता है फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर 1845-1846, जिसमें पंजाब की हार हो जाती है। फिर शुरू होता है कई सारी ट्रीटीज का सिलसिला, जैसे ट्रीटी ऑफ लाहौर और ट्रीटी ऑफ भैरोवल, जिसके बाद पंजाब की इंडिपेंडेंस ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है और वो एक वेसल स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है।